ये देखो कैसे डर रहा है। देख गाड़ी में क्या कर रहा है, प्ले कर इसको, प्ले कर एक मिनट, गाड़ी में क्या कर रहा है। अब देखो हाथ डाल रहा है, अगर ये इसका हाथ आ जाए, कुछ हो जाए, बीच में फंस जाए लिफ्ट की। और लिफ्ट अब पूरी ओपन ही है, लिफ्ट वो खराब कर दी इन लोगों ने। बच्चे का एग्जाम था, जिस बच्चे का इन्होंने फ्यूज निकाल दिया ना, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम फ्यूज निकाल दोगे, लिफ्ट खराब कर दोगे, किसी की गाड़ी की प्रॉपर्टी को खराब करोगे, कुछ भी डैमेज करोगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी गाइस हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट अभी हमारे पास यहाँ पर पार्सल आया है, एक मस्त आया अमेजोन से, एक नहीं दो दो आए, एंड दोनों आई थिंक शीरो के ही है ना, शीरो के ही है ना। तो अभी इसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। सनी ने शीरो के लिए कुछ मस्त सी चीज मंगाई है, तो देखते हैं गाइस वो क्या है। शीरो भी देख रहा है क्या गिफ्ट आया है मेरे लिए। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या है। ओके, तो गाइस हम लोग पहले छोटे वाला बॉक्स अनबॉक्स करने वाले हैं। शीरो को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो ये निकल जाता है। पकड़ के रख, साले को पकड़ के भाई, इसको मैं भाई भाग रहा है यार ये। चलो देखते हैं, शीरो के सामने अनबॉक्स करते हैं जल्दी जल्दी से इसको। अरे शीरो। ओके, तो गाइस हम लोग फर्स्ट बॉक्स अनबॉक्स करते हैं छोटे वाला एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है जल्दी जल्दी से। क्या शीरो तो रुपये का नाम नहीं ले रहा है भाई। अरे क्या क्या मंगाया था ये, शायद कुछ और भी हो सकता है, पता नहीं क्या है ये इसके अंदर। ये तो बॉटल है भाई, कोई मेरा है क्या? तूने क्या मंगवा दिया भाई अपने लिए? आई थी मैंने अपने लिए बॉटल। अबे क्या यार, बॉडी तो इधर से बन नहीं रही है जिम के लिए। गाइस ये बॉटल मंगवाता रहता है बॉडी की। गाइस डेढ़ साल से वैसे छुरी पकड़ ले भाई, ये छुरी ना खा ले शिरो। और कुछ जा भाई। ओह शिरो ने अटैक कर दिया भाई, भाई बॉटल में से, मेरी बॉटल में मेरे से पहले अटैक कर दिया। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड शिरो को ये दे देते हैं, नहीं तो शिरो मेरे को मार देगा कसम से। ये ले भाई, इसको मत दिया। क्या बॉटल मंगवाई है भाई तूने, इतनी बड़ी टैंकर जैसी अपने शरीर के हिसाब से मंगवाइए गाइस। जैसे इसका शरीर है वैसी बॉटल मंगवाइए, जेंट बॉटल। अभी गाइस बड़े वाली बॉटल, ये बड़े वाला बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, ये वाला देखते हैं। ये है शीरो के लिए, ये तो नहीं था शीरो के लिए। तो शीरो वाला जो बॉक्स है वो अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं भाई शीरो के लिए क्या मंगवाया गया है ना। चलो शीरो के लिए क्या है इसके अंदर, कुछ खतरनाक। ओके, तो गाइस अभी बॉक्स को खोल लिया एंड अब देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। खोलो भाई, सब लोग निकालो इसको बाहर। इसमें गाइस शीरो का बेड ही है मेरे को तो लगता है। हां गाइस शीरो का बेड आ चुका है फाइनली, खतरनाक वाला। एंड अब ये देखना है इसके अंदर ये सोएगा या फिर नहीं सोएगा। ओके गाइस, तो ये है कुछ। मम्मी छुरी देना, छुरी नहीं, ऐसे हो जाएगा काम इसका तो। ओके गाइस, तो अच्छा यार। अब इसके ऊपर लेटेगा या नहीं लेटेगा ये देखना है गाइस। ओके चलो, मेरे को तो लगता है इसको भी खाने की कोशिश करेगा पूरी, पर चलो देखते हैं। ये रहा शीरो का, इतना मजे से इसके ऊपर सो गया। ये तो इसके ऊपर सो गया, इसके ऊपर नहीं सोना है भाई। ओए मुंह में जाएगा उसको, खा रहा है शीरो, इसको भी खा रहा है। चलो गाइस इसको भी खा रहा है शीरो, इसको तो छोड़ दे। चलो गाइस शीरो के साथ मैं भी सो जाता हूँ। शीरो ओ मेरे को खा रहा है अभी। चलो गाइस अच्छा मेरे को लग रहा है शीरो को पसंद आ गया, बस शीरो इसको फाड़ ना दे क्योंकि हर चीज को खाता है। अभी से बस इसने आते ही इसको खाना शुरू कर दिया। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, नो नो मत खा नो। देख के तो लगता है कि शीरो को ये पसंद आ गया एंड इसमें सोएगा भी है। पता नहीं सोएगा या नहीं सोएगा, वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तो गाइस शीरो को भी पसंद तो आ गया, ये शीरो लेटा हुआ है इस पे, खिलौने इसके सारे इस पे रख दिया ताकि ये बाहर ना निकले इससे। एंड मेरे को तो लग रहा है कि सोएगा इस पे, पता नहीं देखते अभी, वो तो टाइम बताएगा। बाकी फिलहाल तो अभी इसके अंदर इसको मजे आ रहे हैं। यहाँ पे शीरो को देखो गाइस कैसे लेटा हुआ है, मुझे देख रहा है। शीरो शीरो देखो कैसे देखते रहता है, कितना क्यूट है गाइस ये देखो यार, क्या कितना ज्यादा क्यूट है शीरो। शीरो 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 के कान देखना आप लोग, ये देखो क्या करता रहता है, पीछे कर दिए फिर आगे कर देगा। अभी मैं निकल रहा हूँ फिलहाल बाहर कुछ काम से एंड चलते हैं मस्टैंग को भी निकालते हैं बाहर, क्योंकि मैं संडे को निकालता हूँ और मैं लास्ट संडे निकाली भी नहीं थी, तो 10-15 दिन से खड़ी है मस्टैंग। एंड बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट नहीं किया है, तो बाइक भी कोल्ड स्टार्ट करनी है। एंड बाइक का भी एक आपको मस्त वाला अपडेट, मस्त वाला तो नहीं, थोड़ा कुछ अपडेट देना है बाइक के लिए, बाइक के रिगार्डिंग। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चलो चलते हैं एंड नीचे पहुंच के आपको बताता हूँ हर चीज़। और शीरो को बोलते हैं, हमारे प्यारे शीरो को बोलते हैं अलविदा, बाय शीरो। शीरो शीरो
वहाँ नहीं सो रहा यार इस पे बेड पे, पता नहीं, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी शायद इसको, पर नीचे फर्श पे सोना इसको ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा ठंडा होता है ना। बट हम लोगों ने मेन ये गाइस इसलिए खरीदा है क्योंकि सर्दियों में काम आएगा, सर्दियों में क्योंकि ठंड हो जाएगी तो ठंड तो ऑब्वियसली इसको भी लगेगी, तो इसके ऊपर जाके सो जाएगा, और रात में भी जब रूम में पंखा वगैरह चलता है तो इसको थोड़ी देर तो नीचे रहता है, ठंड जब लगती है तो फिर कार्पेट पे सो जाता है, तो फिर सो जाएगा, इसको पड़ जाएगी आदत। ओके सो गाइस अभी हम लोग आए थे पार्किंग में, एंड यार क्या कसम से बोलूं क्या बेवकूफ लोग है ना, जहां पे हमारी मस्टैंग एंड बाइक खड़ी रहती है उसके बाहर यार कोई बेवकूफ ना गाड़ी लगा के चला जाता है यार, अभी भी गाड़ी लगा के रखी है एंड ना गाड़ी के पीछे नंबर लिखा हुआ है ताकि हम कॉल करके पता कर सके किसकी गाड़ी हटवा सके, और ना ही बंदा मिल रहा है इतना पता किया, तो अपने को थार में जाना पड़ेगा। मन किया था संडे को लेके जाते, वैसे ही 15-16 दिन हो चुके हैं मस्टैंग वैसे हम लोग बाहर निकालते नहीं है, मन नहीं करता ऐसे, और आज संडे को खाली रहता है रोड तो बढ़िया रहता है इस टाइम निकालने का, मजा भी आता है चलाने का, बट अभी क्या करें कोल्ड स्टार्ट भी करनी थी बाइक एंड एक बेवकूफ की वजह से अब निकाल नहीं सकते, उसने अपनी मारुति बाहर लगा के रखी हुई है एंड उस वजह से अब वो बाहर नहीं निकली है ना, ना उसका नंबर मिल रहा है ना कुछ पता चल रहा है किसने लगाई है, और रोड पे लगाई है भाई बिल्कुल यार, हम तो चाहे हवा भी निकाल सकते गाड़ी, एक बार तो हमने निकाल भी ली थी हवा एक बंदे यार, बार बार गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है, निकालने को हवा निकाल दे भी फिर क्या फायदा यार, फालतू में हवा निकाले क्या करे, और इनके तो भाई चलान भी करवा सकते हैं, बीच रोड में गाड़ी बंदा खड़ा करके चला गया है मस्त एकदम, और किसी की पार्किंग के सामने, क्या ही बोलो दिमाग खराब हो रहा है, बट अब चलो थारी लेके चलनी पड़ेगी एंड अगर शाम तक हट जाता है तो मस्टैंग को बाहर निकालेंगे यार, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है ना, थोड़ा इंजन को स्टार्ट करना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, इतनी टाइम तक खड़ी रहती है ना तो काफी दिक्कतें भी आ जाती है, वैसे भी वो सर्विस मांग रही है, तो अभी चलते हैं थार में ही क्या कर सकते हैं। तो मेरे को जो आप लोगों को बाइक से रिलेटेड न्यूज देनी थी तो वो आज देनी थी, बट अब आज बाइक में दिखा भी नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी पोस्टपोन कर देते हैं, वो चीज मेरे को आपको बतानी थी वो आज नहीं बताएंगे, वो कभी और बताएंगे जब भी मैं बाइक या गाड़ी निकालूंगा बाहर, है ना। तो गाइस फिलहाल अभी हमारी थार जो वॉश हो रही है क्योंकि काफी ज्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने इसको वॉश ही करवा लेते हैं, मस्टैंग के मजे तो आज हम लोग ले नहीं पाए, तो सोचा थार को ले चलते, लेकिन थार को वॉश तो कर लेते हैं अच्छे से, एकदम वॉश करवा के घूमेंगे थार में आज। हाँ जी गाइस तो ये है डे टू, एंड कल जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग मस्टैंग राइड पे नहीं जा पाए थे, वो हमारे पार्किंग के आगे कार लगी थी, हालांकि वो बाद में हट गई थी लेकिन फिर थोड़े काम आ गए थे एंड फिर नहीं, बट आज मंडे है, वैसे तो मंडे को निकलते नहीं है मस्टैंग राइड पे, लेकिन आज लेके चल रहे हैं एंड चलते हैं, काफी मजा आएगा। ओके सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में एंड करते हैं हमारी पहले तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं काफी टाइम के बाद, है ना, इसको करना जरूरी है यार बहुत ज्यादा, थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसे ही 4-5 मिनट के लिए, और बाइक वॉश भी नहीं करवाई है बहुत टाइम से, देखो कितनी गंदी होकर रखी हुई है एंड इसको वॉश भी करवाना है, बाहर लेके जाएंगे तो वॉश करवाएंगे बढ़िया, सेम जगह पे कब से खड़ी हुई है, कब से इसको मतलब चलाया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है बाइक का, मैं अब मेरे को आपको अपडेट देना है वो मैं घर जाके बताऊँगा, आज के ब्लॉग में बता दूंगा आप लोगों को बाइक के बारे में जो भी बताना था, ठीक है, इसलिए बाइक इतने टाइम से ऐसे ही खड़ी हुई है यहाँ पे। बाकी वैसे हम लोग बस टाइम को लेके बाहर जाने वाले थे, अब सोच रहे जाए या फिर ना जाए क्योंकि स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा, तो देखते हैं अभी। सो गाइस अभी मैं कर रहा था रूम की सफाई एंड रूम की सफाई करते करते मेरे पास एक कार है एंड इसको देख के शिरो का रिएक्शन देखना, अभी शिरो यहाँ पे मेरे को तंग कर रहा था कब से लेकर काम नहीं करने दे रहा था एंड अब देखो ये देखो ये देखो कैसे डर रहा है, ये देखो अभी शिरो को ये देखो ये देखो ये देखो कैसे डर रहा है, जैसे जैसे साउंड आ रही है ना ये देखो 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 कैसे डर रहा है शिरो, कोई भी साउंड वाली चीज होती है ना ऐसे डर जाता है बेचारा शिरो, ये देखो ये देखो ये देखो। ओके सो गाइस अभी मैं बना रहा था मेन चैनल की वीडियो एंड मेन चैनल की वीडियो बनाने के बाद अभी मेरे को पता चला है कि कल संडे के दिन में 12:30-12 बजे के करीब कुछ बच्चे आए थे मिलने के लिए, मिलने मैं घर पे था नहीं तो वो नीचे चले गए एंड पार्किंग में उन लोगों ने जो हरकतें की है मैं आपको वो सारी हरकतें दिखाता हूँ उन बच्चों की। तो भाई मेरे को लगता है कि लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों ने कैमराज लगा के रखे, लेकिन चार चार कैमरे लगे हुए हैं एंड जितना भी पार्किंग है ऊपर है घर सब कुछ दिखता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हर एक चीज़ का पता चलता है, लिफ्ट से लेकर ऊपर भी कैमरा इधर भी कैमरा हर चीज़ में पता चल जाता है कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। तो ये बच्चे मिलने आए पहले उसके बाद यहाँ से पहले तो सीढ़ियों से ऊपर गए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट यहाँ से प्ले करता हूँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ से हम यहाँ से प्ले करते हैं, यहाँ से ये लोग आए ठीक है एंड फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने यहाँ पर, पहले तो लिफ्ट को ख़राब करने की कोशिश की इन्होंने बार बार, ये देखना इनकी हरकतें देखना, तो पहले तो ये लिफ्ट से ऊपर आ गए ठीक है, यहाँ से लिफ्ट से ऊपर आ गए सबके सब तीनों के तीनों बच्चे, फिर उसके बाद आई थिंक अभी देखना थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा और फॉरवर्ड कर देता हूँ, हाँ तो देखो उसके बाद ये वहां से सीढ़ियों से नीचे आए, अभी जस्ट नीचे आए एंड अब इन्होंने शुरू कर दिया, ये देखो ये अब क्या करेंगे बार बार लिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये देखो लिफ्ट का बटन दबा रहे बार बार,
स्कूटी पे बैठ रहे हैं, ठीक है, फिर गाड़ी के पास जा रहे हैं, गाड़ी को छेड़ रहे हैं, देखो ये देखो, बस ये देखते जाओ तुम लोग। फिर उसके बाद ये लोग पीछे गए यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉज कर देता हूँ मैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया। अभी क्या किया इन लोगों ने, ये स्कूटी को भी छेड़ रहे हैं, लिफ्ट को बार बार छेड़ रहे हैं और बंद कर रहे हैं, फिर उसको ऐसे खोल रहे हैं, मतलब खराब करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार ना, यहीं पे इन लोगों ने हरकतें की। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, लिफ्ट से ना ऊपर आ रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, देखो अंदर घुसे, अभी देखो बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ गए, ठीक है। अब उसको वो बंद करेंगे एंड फिर हाथ से, ये देखो हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ से खोलने, बार बार ऐसे, मतलब बीच में फंस भी सकते हैं। तो ये देखो ये बार बार फिर से, ये देखो ये भाग गए, ये देखो ये भाग गए, फिर से लिफ्ट दबा रहे हैं, मतलब ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है 4 times, तो समझ लो उस टाइम कितनी देर से ये लगे हुए। ये देखो ये देखो ये फिर से इन्होंने ये भाग गए, निकल गए यहाँ से, ठीक है। इसको लिफ्ट को बार बार दबा के, बार बार छू खोल के ये अभी निकल लिए। टाइम भी आप लोगों को दिख रहा होगा, संडे का दिन है। ओके तो ये देखो गाइस ये फिर से यहाँ पर वापस आ गए, फिर से यहाँ पर स्कूटी को छेड़ने लग गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लकड़ी का ये कुछ उठाया और ये मारा कहीं पे, अगर गाड़ी, ये देखो गाड़ी पे भी आया बंदा, इसने गाड़ी पे पता नहीं कुछ क्या होगा नहीं क्या होगा तो मैं बाद में देखूंगा। और ये इमरजेंसी का बटन है ना ऊपर, ये देखो हाँ इमरजेंसी बटन को, भी दबा रहे, जो लिफ्ट के ऊपर वो जो दिख रहा है ना आपको, वो वाला इमरजेंसी वाला बटन होता है। क्या किया, जो फ्यूज होते हैं ना पीछे हमारे उस घर के, मतलब उसमें लिफ्ट के फ्यूज लगे। हाँ मेन चीज गाइस, उसके बाद मेन चीज ये देखो, बार बार ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज। अभी देखो फिर से लिफ्ट में चले गए, फिर से लिफ्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे, यहाँ ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, बस ये लिफ्ट को बार बार दबा के ना बार बार उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो फिर से भाग गया, ये देखो हाँ ये देखो अभी ये फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन ये पूरा खोलने की हाथ से कोशिश कर रहा है और इसमें कुछ भी हो सकता है ये बच्चे का। ये देखो ये कुछ भी हो सकता है, इसका सर फूट सकता है, कुछ भी देखो ऐसे हरकतें कर रहा है। ये देखो यहाँ से वहां जा रहा है, अब वो वहां के पॉज कर दे, अब वहां पे गया, वहां पे सारे, ये देखो देखो गाड़ी में फिर से आ गया, देख गाड़ी में क्या कर रहा है, प्ले कर एक मिनट, गाड़ी में क्या कर रहा है देखता हूँ। देखो गाड़ी में भी पांच बार बार कुछ छेड़ रहा है, फिर देख रहा है, अब पॉज कर दे। अब इन्होंने क्या क्या पीछे फ्यूज वगैरह थे, दोनों में से इन्होंने एक फ्यूज निकाल दिया, जिससे कि एक फ्लैट की हमसे नीचे जो रहते हैं यहाँ पर, उनकी जो है वो लाइट ही चलेगी पूरे घर की। फ्यूज ही निकाल दिया बच्चे ने, और वो कुछ भी करंट भी लग सकता, तो कुछ भी हो सकता था, तो उसने फ्यूज निकाल दिया। एंड उनके बच्चे का एग्जाम था, एंड एग्जाम भी वो दे नहीं पाया क्योंकि लाइट वाइट के चक्कर में, आपको पता है ऑनलाइन होता है बहुत कुछ होता है, जो भी था इसने फ्यूज निकाल दिया। एंड उनको पता ही नहीं उनके घर की लाइट गई हुई है, ठीक है, लाइट गई हुई है क्योंकि फ्यूज निकाल दिया। गाड़ी भी छेड़ रहे, स्कूटी भी छेड़ रहे, बार बार लिफ्ट को भी खराब कर रहे, बार बार ये लिफ्ट खराब रहती है, क्या करते यही बच्चे आते हैं कुछ कुछ और ये लिफ्ट खराब करके चले जाते। ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा वहां पे एंडिंग में, ये यहाँ पे जैसे अभी जाएगा फिर से, ये देखो नाच रहा है वहां पे जाके, ये देखो लात मार रहा है लिफ्ट पे, देखो मुक्का मार रहा है, अभी देखो आपस में लड़ रहे, इसको गिरा दिया है ना, ये देखो ये देखो फिर से, अब देखो हाथ डाल रहा है, अब ये हाथ डाल रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, अगर ये इसका हाथ आ जाए, कुछ हो जाए, बीच में फंस जाए लिफ्ट के, तो फिर भी वो टाइप की है। और देखो ना मतलब क्या मतलब बनता है, बार बार ये देखो आपस में लड़ रहे हैं। देखो अब इनके चेहरे भी दिखाऊंगा मैं, रुक जाओ, ये देखो अब पीछे कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, एक और चीज कर रहे थे कि ये ना अंदर जा रहे थे ना बार बार, जो ये अंदर ऊपर वाले नंबर सारे नंबर क्लिक कर रहे थे और फिर बाहर आ जाते, फिर लिफ्ट ऊपर नीचे खराब कर रहे। तो अभी गाइस कुछ टाइम पहले भी लिफ्ट खराब हो गई थी, तो बिना लिफ्ट के गाइस ऊपर नीचे चलना पड़ता है, 4 दिन के लिए लिफ्ट बंद थी पूरी की पूरी, ठीक है, इनके वजह से कि बार बार आते हैं और छेड़ के चले जाते हैं। वैसे हम कैमरा उतना चेक नहीं करते, लेकिन अब डेली कैमरा चेक होगा, एंड जो भी ऐसी हरकतें करते हैं, पहले तो इनका चेहरा दिखा दे, वो पॉज कर दे वहाँ पे जहाँ ये भाग रहे हैं, वहाँ पे इनका चेहरा दिखा देते हैं आपको, तो इनका दोस्त कोई जानता है, आपको भी पता रहे तो आप इनको देखो, ऐसे तो हम चाहते तो हम इनको ऐसे भी पकड़ सकते थे क्योंकि आते रहते बार बार, लेकिन इनके चेहरे दिखा रहे। और अगर तुम लोग भी देख रहे हो, ये जो ये बच्चे थे, 3 छोटे बच्चे थे, ये हरकत कर रहे हो, ये देखो मैं इनके चेहरे दिखा, ये देखो ये भागे यहाँ से, फिर से लिफ्ट दबा के भागे, ये देखो जी, एक का चेहरा ये रहा, ठीक है, एक का चेहरा ये रहा, और एक का दूसरे तीसरे वाले का दिखा ये रहा, ये देखो, तो मतलब 3 बच्चे थे ये, 3 दोस्त होंगे, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे ये हरकतें करके चले गए, गाड़ी छेड़ के चले गए, कुछ गाड़ी में ही मार दे, स्क्रैच मार दे, कुछ भी कर दे, और लिफ्ट अब पूरी ओपन ही है, लिफ्ट वो खराब कर दी इन लोगों ने, लिफ्ट वो दरवाजा उसका खुला ही है क्योंकि बार बार इनके दबा दबा के खराब कर दिया लिफ्ट को, और अब ये वहां से भाग गए। मेरे को लग रहा है इन्होंने पहले भी 4 दिन पहले खराब थी, मेरे को लग रहा है इन्होंने ही कुछ किया था और ये गिरते। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ऐसे ये हरकतें करके यहाँ से निकल जाओगे, या गाड़ी में कुछ करोगे, या बाइक में कुछ करोगे, या फ्यूज निकाल दोगे, पता नहीं चलेगा, 4 कैमरे लगे हुए, वो तो उस टाइम पे पता नहीं चला, अगर अब ये तीनों बच्चे यहाँ पर दिखे तो इतने थप्पड़ इतने चांटे पड़ेंगे, उसके बाद तुम अपने घर वालों को बुलाओ, चाहे पुलिस में कंप्लेंट करो, जो मर्जी करो, यहाँ पे ये पब्लिक, ये किसी के, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम फ्यूज निकाल दोगे, लिफ्ट खराब कर दोगे, किसी की गाड़ी के प्रॉपर्टी को खराब करोगे, कुछ भी डैमेज करोगे, केस भी हो सकता है। और ये समझ के नहीं, बच्चे और भी बहुत ऐसी ऐसी हरकतें जो करने की सोचते हैं, हरकतें यहाँ पर करते हैं, बहुत ज्यादा बुरा होगा, मैं पहली बता रहा हूँ, ये हरकतें यहाँ नहीं चलेगी भाई, कहीं और चलती होगी हरकतें, हैं उसका
हाँ बच्चे का एग्जाम था, जिस बच्चे का इन्होंने फ्यूज निकाल दिया ना, फ्यूज निकालने का क्या मतलब होता है, फ्यूज निकाल दिया उस बच्चे का एक मेन एग्जाम था, जिस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया लाइट के चक्कर में। अब लाइट तो पेरेंट्स घर गए हुए, तो यही बोलता गया उस बच्चे का एग्जाम नहीं दे पाया वो बेचारा इनकी वजह से, कि ये जो यहाँ से फ्यूज निकाल के गए, पता नहीं क्या क्या छेड़खानी इन्होंने की स्कूटी में, लिफ्ट तो पूरी खराब ही कर दी इन लोगों ने, लकड़ी का पीस फेंक रहा है, लकड़ी का पीस अगर लग जाता कुछ हो जाता तो भाई मैं ये तीन बच्चों के लिए, तो खासकर अगर तीन बच्चे व्लॉग देख रहे कहीं से भी, तो यहाँ तो गलती से भी भटक मत जाना, अगर आ गए तो बहुत बुरा होगा। तो यार देखो फैन हमने पहले ठीक है, हाँ, मिलना है, बाहर मिलो जितना मिलना है। और गैस घर पे भी आते थे हम, पहले भी मिलते थे, मैंने लास्ट एक व्लॉग में बोला था जब हमारे घर पे चोरी हुई थी कि चोरी हो यहाँ पे तो कोई घर पे मत आना, फिर भी उसके बाद भी आते हैं, बार बार मैं घर पे होता नहीं हूँ फिर मिल नहीं पाता हूँ, फिर ऐसे ही चले जाते हैं, तो भाई या तो घर पे आया मत करो, बाहर मिलना है बाहर मिला, यहाँ घर पे तो मत आया ही मत करो, क्योंकि होता नहीं हूँ मैं कहीं टाइम तो, और फिर ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। ऊपर नीचे क्योंकि और भी लोग, यार देखो यहाँ पे सिर्फ हम नहीं रहते ना, और भी लोग रहते हैं, और भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान होते हैं आप लोगों की वजह से, तो घर पे मत मिला करो, बाहर कोई भी मिलता है मैं सबसे मिलता हूँ, घर पे भी कभी कभार मिल लेते हैं जब घर पे होते हैं, बहुत बार तो मैं घर पे होता भी नहीं हूँ, तो भाई मत आया करो, और अगर ऐसी हरकत करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो फिर गलत होगा भाई, ये नहीं है कि दूसरे व्लॉगर की तरह कि हम बहुत शरीफ है ये वो है, अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा, ऐसी उंगली करेगा, ऐसी ये हरकतें करेगा, तो उसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे ये हरकतें करके चले जाओगे और कुछ पता नहीं चलेगा, कैमरे भी लगे हुए एंड और भी बहुत चीज़ें हैं, तो थोड़ा देखा करो, सिर्फ हमारी चीज़ नहीं होती और लोगों की भी होती है, एंड अगर यही चीज़ फिर से किसी ने, हाँ तो यही है गाइस, कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ भी हरकत करके यहाँ से निकल जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, फ्यूज से वो पूरा खुला फ्यूज है भाई, बिल्कुल कुछ भी हाथ में लग जाता, करंट लग जाता या लिफ्ट में आ जाता, आप लोगों ने देखा बार बार लिफ्ट में ऐसे बीच में जो घुस रहा था, हाथ से कर रहा था, फंस जाता, एक बार तो एक बच्चा लिफ्ट में फंस भी गया था इसी चक्कर में, ऊपर नीचे आने के चक्कर में, तो भाई मत आया करो यहाँ पर, लिफ्ट को खराब करने की पूरी कोशिश की उसने, लिफ्ट में बीच में भी आ सकता था, फ्यूज से भी कुछ हो सकता था, तो ये हरकत मत करना। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है और भी देखते हैं व्लॉग, जिनको एड्रेस भी पता है, प्लीज घर पे मत आना भाई, मैंने पहले ही बता दिया घर पे मत आना, फिर मुझे मत बोलना कि क्या हो गया वो हो गया ये हो गया, घर पे मत आओ, बाहर मिलना है मिलो लेकिन घर पे मत आओ भाई प्लीज। तो यही है आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो ऐसी हरकतें मत ही क्या करो प्लीज यार, ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं और हम तो होते ही डिस्टर्ब है, एंड ऐसा मत सोचा करो कि बच्चे तो चलो बच्चे थे यार, कुछ भी मतलब यहाँ पे आगे कुछ भी छेड़खानी कर रहे हो यार, कैमरे लगे हुए आपको पता चल जाता है, शक्ल आ रही है बच्चों की, ये हरकतें मत किया करो और यहाँ पे मत आया करो यार प्लीज, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एक कुछ भाई पता है, कुछ कई बार आते हैं ठीक है, दूर से मिलने आते मिल लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ना कि वो हर वीक में आएंगे, एक बार हर हफ्ते में आते रहेंगे बार बार, एक को तो मैंने कितना मना कर दिया, वो दूर से आएगा फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर बोलता है कि मेरे पास रेंट नहीं है, एक बार पहले मैंने वापस जाने का किराया नहीं बचा मैंने एक बार पैसे दे दिए, दूसरी बार वो तीन दोस्तों को और लेके आ गया मिलवाने के लिए, जबकि उसको मैंने मना किया था कि अब मत आना, दो दोस्तों को और लेकर आ गया और फिर कहता है कि मेरे पास तो रेंट वापस जाने के पैसे बचाए नहीं, वो तो हम लोगों ने खर्च कर लिए, कुछ खा लिया, अब आप मेरे को पैसे दे दो। भाई यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप मिलने बार बार, एक बार चलो हो गया ठीक है, बार बार आप मिलने आ रहे हो, फिर किराया मांग रहे हो एंड फिर, और वो भी ठीक, आके फोटो खींचो ठीक है, बात करो ठीक है, पीछे पड़ जाना, गेम खेलो, ये करो, मेरे को वो चाहिए ये चाहिए, मेरे साथ गेम खेलो अभी, खेलो, फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इन सब चीजों के लिए प्लीज मत ही आया करो घर। और दिखा दिया मैंने आपको कैमरा, अगर आगे से कोई हरकत हुई तो फिर मत बोलना कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय गाइस।